Hello, my dear students, welcome back. Okay, I hope you have already got the previous video and you have not been asking me any kind of doubts till now. So hope I'm thinking ki aap log ko sari cheeze clear hai. Okay, so my today's topic will be excretion in both plant and animals. Okay, so yahan pe basically excretion ka matlab kya hota hai? So first of all hum ise samjhenge. एक्सक्रीशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ का कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, उसको जो एलिमिनेट करना है आपको, ठीक है. सो दैट प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ रहे हैं. जैसे डाइजेशन हुआ था, ठीक है, डाइजेशन के बाद क्या था, इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी वो एब्जॉर्ब हो गई थी बॉडी में. बट आफ्टर दैट वॉट स्टार्टेड, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम से और एनस से बाहर हो गया था. यहाँ पे जो हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मोर ओवर ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है. तो आज के टॉपिक में वी विल बी स्टडिंग अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट, डायलिसिस, ओके, and the vertical section of the kidney, cross section, okay, and the nephron, of the nephron. Take care. So let me share the screen with you. Or notes, as I told you earlier as well, the notes साथ के साथ आप लिखते जाओ, so that is much better. Take care. So starting from the definition, I have already mentioned biochemical reactions. Biochemical reaction मैंने आपको पहले ही बताया था. Biochemical reactions कौन से होते हैं? Basically जो living organisms में होते हैं. Biochemical reaction constantly occurs in the cell of the living organisms. We know that after digestion, the food is carried to the cell by the blood. Okay, यहाँ तक तो clear था. जैसे respiration के केस में क्या हो रहा था, alveoli से blood capillaries में transfer हो रहा था oxygen. Same case इनके साथ होता है, ठीक है. Inside the cell, energy is produced from food in the form of ATP. जहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ओके, बट अलोंग विद द रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस, इट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है. अब जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी बायोकेमिकल रिएक्शन में, जो भी चीजें हो रही थी, बट यहाँ पे क्या चाहिए उसको, कि यहाँ पे कुछ हार्मफुल चीजें भी बनती हैं, ठीक है, विच आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ. तो यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया जो है, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं. These products, if allowed to accumulate in the body, may cause serious damage. क्योंकि हमने पहले से पढ़ा कि ये harmful है, तो ये damage cause कर सकते हैं, sometimes leading to death. Therefore, they need to be eliminated from the body. Clear है यहाँ तक? Next पे आते हैं. So the blood carries this waste product from the cells to the kidney. ठीक है. अब किडनी में हमने बोला कि फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो बट वो फिल्ट्रेशन किस चीज़ का होता होगा? वाटर इनटेक. बेसिकली किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, ठीक है. तो यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं. द किडनी फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है. तो ब्लड में जितना भी वेस्ट अब प्रेजेंट होगा, दैट विल बी रिमूव्ड बाय व्हाट, किडनी, ठीक है. दिस प्रोसेस इज डन बाय स्पेशल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसका डायग्राम अगेन, लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में जितने भी डायग्राम हैं आपको बहुत अच्छे से बना के प्रैक्टिस करनी है. इन दिस पीरियड आई थिंक यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इस चीज को प्रैक्टिस करने का. सो लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन विद यू the diagrams. Okay. Coming on to this, the very top. This is the diagram of excretory system. तो यहाँ पे क्या है? Renal artery है, renal vein है. ये जो blue color में दिख रही है, that is vein. ये जो red color में हल्का pinkish दिख रहा है, that is renal artery. The kidney, both the kidneys are there. ठीक है, dorsal aorta, ureter, urinary bladder और urethra. यहाँ तक clear है? So this is the diagram of the
एक्सक्रेटरी सिस्टम। नेक्स्ट चीज पे हम पढ़ सकते हैं किडनी का वर्टिकल सेक्शन। तो मतलब अगर किडनी है ये, तो उसको अगर हम ऐसे कट करेंगे तो वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ पार्ट्स हैं, अगेन रीनल आर्टरी, वेन वही, यूरेटर, रीनल पेल्विस। अच्छा, किडनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नहीं बोलते, बट किडनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी दैट विल बी रीनल, ठीक है। तो दिस इज दिस। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नोट्स पार्ट। अगेन सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में मैंने इनको बताया है। सो दिस कैन बी अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब यहाँ पे फ्रॉम द किडनी टू थिन ट्यूब्स कम आउट कॉल्ड यूरेटर, अभी हमने देखा था डायग्राम में, ठीक है। लेट मी शो यू अगेन ताकि कुछ गायब ना हो जाए बीच में। ओके, सो इट वॉज समवेयर हियर। यहाँ से किडनी से क्या निकल रहा है, ये टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, दोनों किडनी से यूरेथ्रा, तो दो यूरेथ्रा हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू अ पेयर ऑफ यूरेथ्रा, उसके बाद बोथ द यूरेथ्रा ओपन इन अ बैग लाइक ऑर्गन, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अगेन उसमें लास्ट जो कनेक्टेड था दैट वाज यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके, ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर स्टडिंग, बट ध्यान से याद करोगे तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो अगेन एक बार रिकैप कर लेते हैं, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, क्लियर है। नेक्स्ट डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट विल बी द आर्टरी दैट कैरीज ब्लड टू द किडनी इज नोन एज रीनल आर्टरी, ठीक है। जो ब्लड कैरी कर रही है दैट विल बी रीनल आर्टरी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट अ मिनट। दिस विल बी द वेन दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द किडनी, मतलब किडनी से जो लेकर जा रही है दैट विल बी रीनल वेन। तो जो किडनी तक पहुंचा रही है वो क्या होती है, रीनल आर्टरी, और जो किडनी से लेकर जा रही है ब्लड दैट विल बी होपफुली प्योरिफाइड ब्लड, ओके। तो यहाँ पे दैट विल बी रीनल वेन। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द किडनी, जो हमने अभी डायग्राम देखा था। तो यहाँ पे द ट्रायंगुलर रीजन इज नोन एज किडनी मेड्यूला, द रीजन आउटसाइड द मेड्यूला इज नोन एज किडनी कॉर्टेक्स, द रीजन वेयर यूरेट्रा बिगिंस इज नोन एज रीनल पेल्विस, और रीनल आर्टरी एंटर इनसाइड द किडनी, रीनल वेन इज विच एग्जिट द किडनी, ठीक है, इट कम्स आउट ऑफ द किडनी। अब यहाँ पे देखो डायग्राम अगेन, मैं दिखा देती हूँ। ओके, दिस कैन बी, दिस इज द वर्टिकल सेक्शन। सो आर्टरी, वेन, रीनल पेल्विस, यहाँ से रिटर्न है। यहाँ पे दीज आर बेसिकली रीनल कैलिसेस, ये चीज, ओके। देन दिस इज रीनल पैपिलाई, दीज आर रीनल पिरामिड्स, ओके, और ये जो एरिया है दैट इज कॉर्टेक्स, उसके बाद वाला, ओके। ये डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ें कुछ डायग्राम्स आ जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब अगर आपको पता हो तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ होती है, बेसिक फिल्टरिंग यूनिट तो क्या हो गई है, किडनी। किडनी में भी एक फिल्टरिंग यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज देयर किडनी के अंदर। अब यहाँ पे किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन, ये आपको पता है, सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन, कहीं पे भी आगे नहीं होती पेट के साइड में, ठीक है, कहाँ पे होती है, बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, मतलब ये वर्टेब्रल कॉलम है और उसके दोनों साइड पे किडनी प्रेजेंट है। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी इज अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, थिन वॉल्ड कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी अगेन, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन पॉसिबल होती है इस चीज से।
दिस क्लस्टर ऑफ थिन वॉल कैपिलरीज इज नोन एज नेफ्रॉन. तो अगर कोई पूछता है कि फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी क्या होती है, तो योर आंसर विल बी नेफ्रॉन. यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में क्या आता है? द कप शेप्ड अपर एंड इज नोन एज बोमन्स कैप्सूल. अ कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूल आफ्टर बोमन्स कैप्सूल जो स्टार्ट होता है. The last part is the duct, which is known as the collecting duct. The renal artery enters the Bowman's capsule. जो अभी हम बात करते हैं किडनी में एंटर कर रही है, ठीक है, तो renal artery क्या होती है? Enters the Bowman's capsule and forms a network of capillaries, जिसको बोलते हैं क्या? Glomerulus. The nephron is surrounded by a network of capillaries. अब इसका डायग्राम देख लेते हैं for better understanding. Just a moment. ओके, दिस इज दिस. ओके, आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? दिस इज व्हाट? वुमेन्स कैप्सूल, ये, ठीक है, ये क्या है? ग्लोमेरुलस. ओके, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, इसकी बात हो रही थी, ठीक है. और ये जो वुमेन्स कैप्सूल से बाद में ये बन रही है ट्यूब्यूल, दिस इन ब्लू कलर. ओके, दिस इज व्हाट? ट्यूब्यूल. ये दो नाम दिए गए हैं इसको, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड और डिस्टल कॉन्वोलेटेड, ठीक है. और यहाँ पे ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरी यहाँ पे एक मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस. लेकिन ये कैपिलरीज यहाँ पे फर्दर सराउंड करेगी इसको, ठीक है. तो इस ये कैपिलरी का नेटवर्क फॉर्म करेगा ट्यूब्यूल के आसपास, ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नोट्स, होपफुली इट इज क्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें. यह स्ट्रक्चर भी आ जाता है. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपने देख लिया, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या होगी, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा? अब आपको पता है ब्लड कंटेन्स यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस, ठीक है. द ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू रीनल आर्टरी, ठीक है, वो जो मैश था, ठीक है, तो वहां पे एंटर कर रही है ग्लोमेरुलस में. अब दिस ब्लड एंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस टू द रीनल आर्टरी. व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस इट गेट्स फिल्टर्ड बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर. हाई प्रेशर ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये आराम से फिल्टर हो जाता है. बिकॉज ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस गेट फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड एंड दिस फ्लूइड कलेक्ट्स इनटू द वुमेन्स कैप्सूल. अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया और ये जो फ्लूइड है वो वुमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा. दिस फ्लूइड इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ओके, जो वुमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा हुआ है. नेक्स्ट इज द फिल्टर्ड ब्लड इज सेंट बैक टू द हार्ट थ्रू द रीनल वेन, ठीक है, फर्दर पंप करने के लिए. द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द ट्यूब्यूल. अब ये क्योंकि वुमेन्स कैप्सूल की बात क्या थी, ट्यूब्यूल सिचुएटेड था, वहां ट्यूब्यूल में जाएगा ये ब्लड, ठीक है. Oh, sorry, glomerular filtrate. As this filtrate have many useful substances, so in the tubule, reabsorption of water and useful molecules takes place. ठीक है, यहाँ पे अब कुछ reabsorption हो जाता है. जैसे हमने पढ़ा था large intestine में, तो कुछ reabsorption हो गया था वहाँ पे भी. तो यहाँ पे भी कुछ important चीजें बच जाती हैं still. तो वहाँ पे उनका reabsorption होता है, ठीक है. तो water का reabsorption होगा और कुछ useful molecules का. As the tubule is surrounded by a network of capillaries and through this, water and useful substances are reabsorbed into the blood. यहाँ तक क्लियर है? Next आते हैं. The remaining fluid containing the waste form of the urine which passes through the tubule and enters the collecting duct. अब जितना भी कुछ बच जाएगा वो कहाँ आ जाएगा? Collecting duct में. Okay? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं. इवेंचुअली द यूरिन एंटर्स द यूरेथ्रा एंड इज कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर. अब वो पाइप लाइक फॉर्म से वो नीचे आ जाएगा. इन यूरिनरी ब्लैडर यूरिन इज स्टोर्ड एंड फ्रॉम देयर इट इज थ्रोन आउट थ्रू द यूरेथ्रा. क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हीमोडायलिसिस. अब अगर आपने सुना होगा कि लोगों की किडनी खराब हो जाती है,
ओके तो किडनी खराब होने का मतलब क्या होता है? इज इट समथिंग कि किडनी इज नॉट वर्किंग? ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें होती हैं कि अगर किडनी खराब हो जाती है तो किडनी का मेजर मेजर काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना ब्लड की, तो वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो आपने सुना होगा कि उनका डायलिसिस पे है कोई इंसान या फिर कुछ ऐसा, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के केस में क्या होता है, सेम चीज जो किडनी कर रही होती है वो कर रहा होता है, क्या? प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस ब्लड, फिल्ट्रेशन कर रहा होता है ब्लड का, बट उसके तरीके अलग होते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू द डायग्राम फॉर द सेम। Just a minute. Now, coming into this, okay, this is something dialysis की मशीन का कुछ वर्किंग है, तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड क्लीनिंग के लिए यहाँ से जा रहा है, ठीक है, दैट इज इनटू ब्लड पंप होएगा, एंटीकॉगुलेंट्स कुछ उसमें यूज हो रहे होंगे, यहाँ जाएगा इस डायलिसिस मशीन में, और उसके बाद क्या होगा, डायलिसिस फ्लूड यहाँ से करेंगे और डायलिसिस फ्लूड रिमूव यहाँ से करा जाएगा, लेकिन इसके अंदर डायलिसिस हो रहा होगा। अब ये यहाँ पर जाएगा एयर ट्रैप एयर डिटेक्टर में, वापस से पेशेंट के पास जाएगा जो क्लीन ब्लड होके, ठीक है। तो जो चीज आउटसाइड द किडनी हो सॉरी इनसाइड द किडनी हो रही थी, ये आउटसाइड द किडनी परफॉर्म करी जाती है। सो इन द केस ऑफ डायलिसिस, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, हीमोडायलिसिस के केस में क्या होता है, मेनी फैक्टर्स लाइक इंजरी इन्फेक्शन और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी एंड देयर कंडीशन इज नोन एज किडनी फेलियर, ठीक है। जहाँ पे किडनी फेलियर हो जाता है वहाँ पे हम हीमोडायलिसिस करते हैं। तो यहाँ पे इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। अब हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि पॉइजनस वेस्ट है, दैट इज अ वेस्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाई आर बॉडी। तो यहाँ पे इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी which may lead to death. In this case, an artificial machine is used to remove the nitrogenous waste product from the blood. It is hemodialysis machine. ठीक है? तो जो किडनी काम कर रही थी अब वो hemodialysis machine करती है. Then I have starred marked this. तो मतलब ये कुछ important point है. The blood from the patient artery is taken out and led to the hemodialysis machine. And here waste products are filtered and the process is known as dialysis. And the purified blood is pumped back into the body of the patient through the veins. So artery se blood liya jata hai, hemodialysis machine mein jayega, dialysis hoga, filter hoga, aur wapas se kisme through vein body mein wapas bhej diya jayega. Again, an important point, at one time 500 ml of blood is passed through the dialysis machine. Okay. यहाँ तक क्लियर है? सो हेयर वी कंप्लीट आर एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बहुत ही छोटा सा पार्ट है, अब बहुत ध्यान से समझना। देखो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है, बट क्योंकि वो पहली बात तो स्टेशनरी होते हैं, प्लस वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमने पहले भी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन वगैरह में तो ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं से एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है, इन वन और द अदर वे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, कोई डेफिनेट पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होगा एक्सक्रीशन के लिए, ना ही कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होंगे, बट क्या होगा, नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन से या फिर सिंपल चीज़ों से नॉर्मल एक्सक्रीशन हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ते हैं, इम्प्लांट्स एक्सक्रीशन इज सिंपल बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन और सिस्टम इन द प्लांट्स। गैसेज आर एलिमिनेटेड बाई डिफ्यूजन, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, ठीक है, बाय द स्टोमाटा। वेस्ट स्टोर्ड इन द वैक्यूल ऑफ लीव्स फ्लावर फ्रूट और बाग। तो यहाँ पे इनके वैक्यूल जो होते हैं वहाँ पे इनका स्टोरेज हो जाता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और वो उसके बाद सेल से आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन द ओल्ड जाइलम,
ठीक है, तो ये बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, रेजिन्स वगैरह जो होते हैं, एक टाइप ऑफ केमिकल होते हैं दोज आर बीइंग यूज्ड, ठीक है, तो ये पुराने जाइलम में स्टोर्ड हो जाते हैं. नेक्स्ट विल बी प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. तो बाकी का कुछ भी एक्स वाई जेड अगर चीजें बचती हैं तो वो इसमें रूट्स में ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द सॉइल. यहाँ तक क्लियर है? प्लस एक लास्ट चीज ये होती है कि जब ये एजिंग फैक्टर होता है प्लांट्स का, ठीक है, जो भी लीफ झड़ने वाली होती हैं, जो लीफ रूप कर जाएंगी, वहां पे क्या होगा, येलो पड़ने लगेंगी लीव्स, और वहां पे उनके नोड्स पे जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वहां से वो लीफ में चले जाएंगे और वो लीफ फिर शेड हो जाती है. ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं प्लांट्स. सो होपफुली द चैप्टर इज क्लियर टू यू. सो हेयर वी कंप्लीट आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेस. ओके, नोट्स सारे अच्छे से एक अलग कॉपी में बना लीजिएगा. यही नोट्स हैं विच आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द क्लास. सो अब मुझे नहीं लगता इसको करने की जरूरत है. ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए बाय हार्ट. दूसरी चीज, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, किसी भी तरह का कोई डाउट इन एनी ऑफ द वीडियो, डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और इन IIT मंथन चैट बॉक्स. ठीक है, तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. बाय, थैंक यू.